आपको अगर सत्ता दे दी जाए और आप, हाँ सत्ता पावर में आप आ जाएं और मुंबई पूरा आप ही संभाल रहे हैं देख रहे हैं, तो ये जो लिव इन वाले जो कपल्स हैं इनके साथ आप क्या करेंगे? ब्रेक देम। ओह माय गॉड, ये ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की। हे गाइस, हेलो हाय, मेरा नाम है जुनैद और आप देख रहे हैं और सब बढ़िया। वैसे शादी के लिए कहा जाता है ये कैसा लड्डू है जो खाए पछता है जो ना खाए पछता है, ठीक है। वैसे अब तो लिव इन का ऑप्शन भी है। मन में दूसरा लड्डू फूटा। आप क्या करोगे, शादी करोगे या लिव इन में रहोगे? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आओ बताओ। फिलहाल मैं जाता हूँ, कुछ लोगों से बात करता हूँ, देखते हैं विच थिंग दे फेवर, शादी या लिव इन का। ओके मानसी, ये बताइए शादी या लिव इन? शादी। Not शादी, definitely. दो मुख्तलिफ। I did not have an option, so yes. अच्छा, if you had an option then. No, I had an option. शादी या लिविन? शादी अच्छा है। शादी। Oh. शादी better. Okay. शादी। का? झूठी। सच्ची। सच्ची। Okay, yes आप। शादी या फिर नहीं, शादी हो गई। सवाल ही ढूंढा अगले ने। शादी हो गई, शादी या फिर लिव इन रिलेशनशिप? ऐसा शादी हो गई है। शादी या बिना शादी के रहना क्या ठीक है? शादी के। शादी या लिव इन? शादी ऑफ कोर्स। नाउ यू कैन नॉट कॉपी द आंसर। लिव इन। ओहो, बिंगो। शादी या फिर लिव इन? लिव इन। ओह, सो बोल्ड एंड ब्यूटीफुल आंसर। व्हाई? I think before shadi I need to know the man like well, so I think shadi se pehle live in mein rahenge to I will know him better, like what are his habits, will we adjust together well, because shadi ke baad in India the concept is that ab shadi ho gaya ab divorce ye wo bahut lamba chalega, so live in mein I think I can figure out better as compared to shadi se. So you want to make sure it is okay tested before, yeah, tying, yeah, the knots. Yeah, right. Shadi ke kya fayde hai, live in ke kya nuksan? Shadi ke fayde means apna ek partner rehta hai जिससे हम कभी भी कुछ शेयर कर सकते हैं। लिव इन में नहीं रहता? लिव इन में भी रहता है बट उसकी कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, शादी में ठप्पा रहता है ऐसा? एक मींस स्टैम्प मिल जाता है। स्टैम्प जरूरी है? पहले 6-7 महीने रह रहते हैं, फिर बाद में सडनली सब खत्म हो जाता है एंड बाद में अपनी नहीं जम रही भैया। ऐसा? नो, आई एम नॉट अगेंस्ट एनीथिंग और इन फेवर, इट्स जस्ट माय पर्सनल ओपिनियन के यू नो मैरिज इज लाइक यू नो कुछ भी परफेक्ट नहीं है, वो इम्परफेक्ट को कैसे परफेक्ट कराना ना, पॉजिटिव नेगेटिव। उन्हें तो मैं सुधार दूंगी। नहीं नहीं नहीं, वो भी मुझे सुधारेंगे ना। आई एम आल्सो नॉट परफेक्ट, आई एम आल्सो नॉट, आई एम जस्ट सेइंग आई एम आल्सो नॉट परफेक्ट, यू नो वो बोलते ना अर्धांगिनी टाइप्स, आई एम दैट काइंड ऑफ ओल्ड स्कूल। ये बताओ लिव इन के क्या नुकसान है, लिव इन क्यों नहीं? घर के लोग अलाउड नहीं करते, सोसाइटी अलाउड करेगा तो मैं जंजीरें चीर के भाग। अच्छा, अगर सोसाइटी अलाउ कर दे कि ऐश्वर्या जा जी ले अपनी जिंदगी और अपने मन चाहे बॉयफ्रेंड या अपने जीवन साथी के साथ लिव इन में रहे, तो क्या ऐश्वर्या जाएंगी? नहीं जाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं। मैं बंधन तोड़ के नहीं जाऊंगी। नहीं, नहीं जा सकती। अच्छा, आप बताओ शादी के फायदे क्या? रिलेशनशिप टूटता नहीं है ना। क्या बात कर, शादी नहीं टूटती? नहीं, ज्यादा नहीं मतलब। व्हाई शादी एंड व्हाई नॉट लिव इन? आई वुड रादर आस्क, आई लाइक टू लिव लाइफ ऑन एज। Okay, so you are on edge. yeah, completely. Better than getting divorced like 2 times. Like better to get the person, like know the person before you get married. Live-in के क्या नुकसान है आपके साथ? Live-in के means जब तक हम live-in में हैं, तब तक तो enjoyment कर सकेंगे. But after that, अगर हम break करते relation live-in के, कभी भी, तो उसमें means मेरे ख्याल से तो loss ही है totally life का भी. तो शादी का break करते तो loss नहीं है? शादी का भी करते तो एलिमनी, दहेज प्रताड़ना, अलाना फलाना ढिमका बहुत कुछ होता है। नहीं, आज के डेट में तो कोई दहेज लेता नहीं, बट फिर भी अगर दहेज लेते भी है वो एक्ट तो है ना। हाँ, एक्ट जब लड़ाई होती है तो इंसान थोड़ा दिखता है लिया कि नहीं दिया। आई एग्री विद यू, बट मेरे ख्याल से तो कम होते होंगे लाइक डिवोर्स जैसे शादी के बाद होते हैं। सो शादी इज बेटर देन लिव इन। लिव इन में कम से कम ये मौका है तो कि भैया, क्योंकि शादियों में भी तो होते हैं ना ब्रेकअप्स, रिलेशनशिप टूटते हैं, लिव इन में एटलीस्ट ये तो है कि भैया चलो नहीं जमा, इन केस तो यू हैव एन ऑप्शन कि आप इजीली there is an escape. Don't think so. मतलब आजकल का scenario definitely अलग है, पहले अलग होता था. And true love does not exist according to me. So henceforth living, मुझे आप living के खिलाफ हैं? हाँ. But आपको ये नहीं लगता कि शादी
अगर खुदा ना खास्ता किसी की शादी नहीं चल रही है, अच्छा रिलेशनशिप नहीं चल रहा, तो शादी को अलग ब्रेक करने में और ज़्यादा मुश्किल होती है बजाय लिव इन के। मुझे तो नहीं लगता है शादी के, मतलब अगर कोई शादी करता है तो उनको इतना प्रॉब्लम आता है जितना लिव इन रिलेशनशिप में आता होगा। अच्छा शादी के नुकसान क्या लगता है? नुकसान नहीं है सच कुछ, मतलब बट आई डोंट नो इंडिया में तेरा क्या घाटा। नहीं ऐसा कोई घाटा तो नहीं है, बट आई जस्ट फील कि इंडिया में बहुत टैबू है अगर शादी नहीं चली तो देन दे विल बी लाइक बहुत दोनों फैमिलीज इन्वॉल्व हो जाते हैं, बट लिव इन में आई थिंक इट्स ओनली द टू ऑफ यू डिसाइडिंग लाइक ओके पक्का है करना है देन यू गो अहेड विद इट। अच्छा शादी के क्या नुकसान है? बहुत सारे जैसे फैमिली आई गेस लोड्स ऑफ पीपल टू टॉक टू, आई मीन आई एम अ वेरी एंटी ह्यूमन पर्सन सो यू आर एंटी ह्यूमन देन आई डोंट नो व्हाट आई एम। शी इज अ वेरी सोशल पर्सन सो यू हैव टू अटेंड सो मेनी थिंग्स टुगेदर एंड गॉड सेव इफ योर थिंग्स डोंट मैच विद योर हस्बैंड यू कैन नॉट से एनीथिंग। I'm just getting off like 2-3 points off my head. But yeah, the five. मतलब आप lifetime validity के साथ नहीं जाना चाहती, एक साल का recharge कराना चाहती? नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। And now आज की वजह वाला question है। See, humans are open to many ideas. ऐसा कुछ नहीं है। But then as long as people are cool with it. But जरूरी थोड़ी compatibility match हो, right? You're up. Exactly. You can keep trying until succeeded. But अगर match है then, ना? जोड़ी तो रब ने बनाई। अगर कंपैटिबल मिल गए तो देन। अच्छा कोई बिना शादी के कोई लड़का लड़की मोहल्ला में रह रहा है तो मोहल्ले वाले क्या बात करेंगे? मोहल्ले वाले तो बहुत टपोरी कहेंगे या तो गुंडेगिरी करेंगे और क्या करेंगे। आपकी इस बात के लिए हमें 30 सेकंड का मौन रखना पड़ेगा, अब हम 30 सेकंड चुप रहे। US वगैरह में ज़्यादा फ्रीडम है लाइक ओपिनियन ज़्यादा, लाइक इंडिया में आई थिंक इट्स मोर लाइक पेरेंट्स की सुननी पड़ती है एंड लाइक व्हाट द अदर पीपल आर गोइंग टू थिंक अराउंड, वो भी थोड़ा वहाँ पे आई थिंक इट्स मोर ऑटोनॉमस डिसीजन मेकिंग है, यहाँ पे इट्स मोर लाइक योर टाइड टू पीपल अराउंड यू सो दो बार सोचना पड़ता है ओके व्हाट अदर्स आर गोइंग टू से, सो दैट इज व्हाई मे बी लिव इन भी वो लोग नहीं करते बिकॉज दे फील कि ओ माय गॉड इफ व्हाट विल समवन से, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल हु लिव इन में है मोस्ट ऑफ देम सेलिब्रिटीज है because they are not like bothered about okay theek hai chalega, like they are in a position where they can take that decision now, but hamara aise ki nahi bhai log kya kahenge ye kya hoga, that's why maybe logo ka kaam hai wo to kuch kahe, ha but parents ka sunna padta hai to then you have no choice. Yeah aapke bacche hain? Bacche hain kitne? 7 7 bacche hain? Ha 7 7 bacche? Ha 7 bacche. Kaise kiya aapne? पर लड़का अगर बहू लेके आ गया बिना शादी के रहना चाहता है तो रख लोगे? वाह क्या ओपन माइंडेड सोच यार, मतलब दो विपरीत स्थिति आई उसका, उसका सोच क्या है हमारा सोच क्या है तो सोचना है ना। ऐसा हमारे देश में नहीं चलता है। देश में तो चलता है समाज में नहीं चलता। हाँ वही डाटा मारेंगे देंगे कान के नीचे। सो व्हाई डू यू थिंक इट्स अ टैबू? Yeah, मतलब I think the culture is that way that people like society expect. Matters a lot. हाँ, right? So yeah, like India में तो it's more like a collectivistic society, so individualistic society kind of plays a role. So I think that is why women are expected to behave in a certain way as compared to abroad में वैसा नहीं है. वहाँ पे it's more like individualistic है, so people are not bothered about what you're doing in your life. They just shut their doors. Okay, you're for your own. And यहाँ पे ऐसा नहीं है like people are going to knock at the doors and like ये क्या किया वैसे क्यों किया so, जाओ कमरा खाली करो कल से। सोसाइटी में bachelors are not allowed. Yeah, yeah, because of this maybe ना कौन आ रहा है घर पे? Yeah, that is also there. Yeah. इसके यहाँ पे लड़कियाँ आती हैं। Characterless कहीं का। Yeah, yeah, true. अगर हम आपको CM बना दें मुंबई का और आपके बस चले हर जगह, मतलब बस चले आपका काबू, तो लिव इन वालों के लिए आप क्या करेंगे? सोसाइटी वगैरह अलाउ कर देंगे? नहीं ऐसा कुछ नहीं है अलाउ कर, हर एक, जीने तो हाँ हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है उसके डिपेंड करता है, वैसे तो मैं किसी को रोकने तो नहीं वाला उससे। आपको अगर सत्ता दे दी जाए और आप हाँ सत्ता पावर में आप आ जाएं और मुंबई पूरा आप ही संभाल रहे हैं देख रहे हैं तो ये जो लिव इन वाले जो कपल्स हैं इनके साथ आप क्या करेंगे? ब्रेक दम। ओह माय गॉड ये ब्रेकिंग न्यूज़ इस वक्त की। नो दैट वाज अ रियली स्ट्रांग वर्ड आई डोंट मीन टू यूज दैट। ओके सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू मी
when you give someone enough freedom, it's not always respected. Okay. Look at us, I mean, we are well learnt and everything, but if you give freedom to everyone, problem with it would be that they'll start to abuse it, and that would be that they'll start to abuse it, and that would be very wrong. Okay. आप क्या करेंगे? शादी या लेवन? शादी या लेवन? शादी या लेवन? इनका मन कुछ और है. ये तो बस. और ये तो कुछ बातें करनी पड़ती है, कुछ बातें नहीं करनी पड़ती है. तो कुछ लोग हमसे कह रहे हैं कि हम शादी वाले लड्डू खा के पछताएंगे, कुछ कह रहे हैं हम तो बस खाएंगे पछताएंगे नहीं, बिना शादी करे साथ में रहेंगे. वेल, अपनी अपनी लोगों की राय है, आपकी राय क्या है? आप भी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, लिव इन में हो, शादी कर चुके हो, पछता रहे हो, नहीं पछता रहे हो, क्या कर रहे हो, प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि आपकी वजह से ही तो हम हैं, राइट? सो जल्दी से अगले एपिसोड में फिर से मिलता हूँ. लोगों से कुछ चटपटे सवाल पूछूंगा, एंड मोर इंपॉर्टेंटली अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप चाहते हैं कि जुनैद आपके बिहाफ पे कोई सवाल पूछे, बीट एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ, और फिर आपके सवाल जब मैं लूंगा तो मैं आपका नाम उस एपिसोड में जरूर मेंशन करूंगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट. और सब बढ़िया को सब्सक्राइब करो प्लीज. और सब बढ़िया को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखते रहिए. और सब बढ़िया को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज. लड़की खुद से बोल रही है ना, बोला नहीं है. चले, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, नाइस टॉकिंग.